पहले मैं पहले पहले मैं छोड़ दो पहले मैं पूरा पहले पहले मैं पहले छोड़ दो वो फट जाएगा छोड़ो रुक जाओ एक मिनट जब देखो हमेशा तुम पढ़ते हो ना पहले अच्छा तुम ये वाला था सारा तो तुमने ले लिया पहले इसे तो पढ़ लो बाद में इसे भी पढ़ लेना और मैं पढ़ूंगी खेल समाचार नेहा नेहा हैरान हो गई ना ये सोचकर कि ये आवाज कहां से आ रही है हम ये मैं हूं तुम्हारा मित्र अखबार यानी समाचार पत्र अरे मेरा अखबार तो बातें करता है अरे वाह मीका 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 चल ना एक बार मेरे साथ जल्दी चलो किस लिए जल्दी चलना तुझे कुछ दिखाना है क्या दिखाना है चल तो सही एक बार मेरे साथ ओ तुझे पता है मेरा अखबार है ना वो बातें करता है अखबार भी कोई बातें करता है मैं सच कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ उसने मुझसे बातें की पता है एक बार तू चल मेरे साथ फिर देख ले खुद ही ठीक है जल्दी चल जल्दी चल तुम अपनी बहन मेघा को साथ में लाई हो भाई तुम तो जानते ही हो कि मैं तुम लोगों का दोस्त हूं अखबार यानी समाचार पत्र एक बात बताओ क्या तुम्हें पता है मैं तुम सब तक हर रोज सुबह सुबह कैसे पहुंच जाता हूं वो तो मुझे नहीं मालूम मैं अखबार यही खबर तो लाया हूं बात यह है कि मुझे आप सब तक पहुंचने के लिए एक लंबी यात्रा करनी पड़ती है तो आइए मैं आपको ले चलता हूं अपने साथ अखबारों की दुनिया में यह है अखबार यानी समाचार पत्र का कार्यालय यहीं पर मुझे तैयार किया जाता है मुझे स्वरूप दिया जाता है मुझे तैयार करने के लिए बहुत से लोग मिलकर काम करते हैं सभी समाचार पत्रों के अपने अपने संवाददाता होते हैं जो घटनास्थल पर जाते हैं और जरूरी समाचार इकट्ठा करते हैं हर चीजों का दाम तो बढ़ हाँ लेकिन आपकी आप मजदूरी बढ़ी है आपकी या आपकी मजदूरी कोई नहीं बढ़ी अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग संवाददाता होते हैं लेकिन क्या आप इस व्यू के हैं कि एलओसी पार करनी चाहिए अभी सब सारा के खत्म हो गया क्या भी सेवा यस सर भाई श्री कृष्ण यस सर यस सर समाचार एकत्रित करने का दूसरा तरीका है समाचारों को न्यूज एजेंसियों द्वारा प्राप्त करना ये देश विदेश से समाचार एकत्रित कर अखबारों के कार्यालयों में पहुंचाती हैं इन विशेष मशीनों द्वारा इस मशीन का नाम है टेलीप्रिंटर समाचार पाने की और भी नई नई तकनीकें हैं टेलीफोन उपग्रह संचार प्रणाली से बहुत जल्दी समाचार मिल जाते हैं और कंप्यूटर ने तो काम और भी आसान कर दिया है ईमेल और फैक्स से तुरंत समाचार मिल जाते हैं मुझे तैयार करने में मोटे तौर पर 5 चरणों से गुजरना होता है सबसे पहले कई स्रोतों से समाचार इकट्ठे किए जाते हैं दूसरा चरण है समाचारों का वर्गीकरण और संपादन इसके बाद अखबार की रूपरेखा तैयार की जाती है इसके बाद
छपाई का कार्य होता है और छपाई के कार्य के बाद मुख्य कार्य है वितरण का। इकट्ठा किए गए समाचारों का संपादन होता है संपादकीय विभाग में। क्या छपना है, कहां छपना है, ये सब कुछ तय किया जाता है इसी विभाग में। वरिष्ठ संपादक इस विभाग के प्रधान होते हैं और सभी महत्वपूर्ण फैसले इन्हें ही लेने होते हैं। फैसला लेते समय कई बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे खबरों में किसी की तरफदारी ना हो, समाचार विश्वसनीय हो, बात सच्ची हो और आसान या सरल भाषा में ही लिखी गई हो, तभी तो आप जैसे हमारे मित्र समझ पाएंगे। समाचारों को इसी रूप में ढालने की प्रक्रिया को संपादन कहते हैं। समाचार संपादित होने के बाद पहुंचते हैं कंप्यूटर कक्ष में। यहां समाचार को कंप्यूटर पर तेजी से टाइप किया जाता है, जिसे कंपोजिंग कहते हैं। तो भाई जल्दी जल्दी टाइप करने में गलतियां तो हो ही सकती हैं, क्यों होती है ना। तो ऐसी गलतियों के सुधार के लिए मूल प्रति के साथ मिलान किया जाता है, जिसे प्रूफ रीडिंग कहते हैं। अब शुरू होता है अखबार के एक एक पन्ने की सजावट का काम। कौन सा समाचार कहां लगाना है, चित्र कहां लगेंगे, किस पन्ने को कौन सा रंग देना है, सारा काम यहीं पर होता है। यानी पूरे अखबार की रूपरेखा तैयार की जाती है। खास ध्यान दिया जाता है पहले पन्ने पर। सभी महत्वपूर्ण ताजा समाचार व चित्र इसी पन्ने पर छापे जाते हैं। फर्स्ट पेज ऐसा ही होता है जैसे आदमी अपने मुखड़े को शरीर से सबसे ज्यादा सुंदर रखना चाहता है, क्रीम पाउडर लगाता है, ऐसे ही अखबार का जो फर्स्ट पेज होता है वो मुखड़ा होता है। किसी भी अखबार में जो दिन भर की सबसे महत्वपूर्ण खबरें होती हैं वो हम बचा के रखते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रंट पेज पे जाएगी, उससे जो कम महत्वपूर्ण होगी वो अंदर चली जाती है। तो ये प्लेसिंग जो चीफ सब होता है, जिस जो इंचार्ज होता है उस पेज का, ये उस पे डिपेंड करता है। और अगर उसे कोई कन्फ्यूज़न है तो फिर हम न्यूज़ एडिटर से पूछेगा या हमसे पूछेगा। किसी भी अखबार के दो स्तंभ होते हैं, दो पक्ष होते हैं, एक समाचार पक्ष और दूसरा विचार पक्ष। समाचार पक्ष में तमाम दुनिया के खेल के, व्यापार के, स्थानीय समाचार, इन सब चीज़ों से अखबार भरा होता है। लेकिन अखबार का किसी भी चीज़ के बारे में स्टैंड क्या है, उसकी किसी भी चीज़ के बारे में दृष्टिकोण क्या है, ये अगर आपको जानना हो तो अखबार के संपादकीय पृष्ठ से इसके बारे में आपको पता चल सकता है। सभी समाचार आपको तमाम अखबारों में पढ़ने को मिल सकते हैं, लेकिन जो विचार पक्ष है, जो संपादकीय हैं, वो सभी अखबारों में अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। सरकार की किसी नीति को लेकर एक अखबार समर्थन कर रहा होगा, दूसरा अखबार उसका विरोध कर रहा होगा। कुल मिलाकर अखबार का काम सिर्फ सूचना देना ही नहीं है, बल्कि एक नया मनुष्य बनाना है, एक नए तरह से आदमी को सोचने को मजबूर करना है, चीज़ों के अर्थ बताने हैं। तो ये सारा काम अखबार की जो संपादकीय टीम है वो यह काम करती है। मैं आज 22 पेज का एडिशन है, इसमें पहला पेज फ्रंट पेज है, फिर जो कैपिटल पेज में जिसमें दिल्ली की स्टोरीज आती हैं, इनसाइड स्टोरीज, फिर क्लासिफाइड जिसमें क्लासिफाइड एड्स होते हैं, गवर्नमेंट के एड्स होते हैं, फिर इंडिया पेजेस हैं जिसमें ऑल ओवर इंडिया की स्टोरीज आती हैं, फिर इंटरनेशनल पेजेस हैं जिसमें दुनिया भर की खबरें आती हैं, फिर एडिट पेज है जिसमें महत्वपूर्ण जो पॉलिटिक्स में हुआ है वो सारी स्टोरीज जो हैं और डिफरेंट उसमें जाता है। इसके बाद इसे छपाई विभाग में भेज दिया जाता है। अब आप जरा कल्पना तो कीजिए यहाँ क्या होता होगा। ये इमेज सेटर है, इस पे या तो फिल्म लोड होता है, फिल्म ये है फिल्म जिसपे इमल्शन होता है,
ये फोटो सेंसिटिव मिलिशन है या ब्रोमाइड लोड कर सकते हैं और ये भी फोटो सेंसिटिव है। जब भी एक पेज आता है वो इस रिप के ऊपर आता है और ये रिप उस पेज को बिट मैप लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इस पर आउटपुट कर देता, तो यह इस पर जो लेज़र गन है वो इस पेज को इस पर प्रिंट कर देता है जो कि आगे इस मशीन पर डेवलप होकर निकल जाता है। इससे बनेगी धातु की एक प्लेट जो छापने के काम आएगी। प्लेट बनाने के लिए इस मशीन में नेगेटिव लगाया जाता है जिससे एक घंटे में 250 प्लेटें तैयार होती हैं। इसे केवल पीले प्रकाश में ही बनाते हैं क्योंकि ये प्लेट दूसरे प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। हम लोगों के पास विज्ञापन जो है रंगीन विज्ञापन वो फिल्म के फॉर्म में आते हैं। चार फिल्में आती हैं एक विज्ञापन की, ये सियान है, ये मैजेंटा है, येलो और ब्लैक। तो हम इन फिल्मों को दोबारा से स्कैन करते हैं ताकि एक 4 करोड़ की डिजिटल फाइल बन जाए और नेचुरल इफेक्ट दे। जैसे कि हमने वहाँ एड स्कैन किया था अभी, तो 4 कलर में किस तरह होता है बताता हूँ आपको। हमने स्कैनर पे जो स्कैन किए थे कलर वो इस तरीके से किए थे। सबसे पहले हमने सियान किया था, उसके बाद हमने मैजेंटा कलर किया था। तो सियान और मैजेंटा जुड़ के ये हमारे पास पिक्चर नज़र आई। उसके बाद इसमें हमने येलो जोड़ा और सबसे आखिर में हमने काला रंग ब्लैक स्कैन किया था। तो जहाँ जहाँ ब्लैक है वो ब्लैक आ गया इसमें। अकेला कोई कलर देखेंगे तो ब्लैक ही नज़र आएगा। जब हमको कोई भी कलर पेज आउटपुट करना रहता है तो हम लोगों को उसके लिए 4 फिल्म्स आउटपुट करनी पड़ती हैं। पहला कलर रहता है ब्लैक, जिसके लिए एक फिल्म रहती है। दूसरा कलर रहता है मैजेंटा यानि लाल। तीसरा कलर होता है साइन यानि नीला। और चौथा कलर होता है येलो यानि पीला। ये चारों कलर के कॉम्बिनेशन से हम लोग तरह तरह के कलर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि हर कलर के लिए अलग प्लेट बनती है। ब्लैक के लिए अलग प्लेट, साइन के लिए अलग प्लेट, मैजेंटा के लिए अलग प्लेट और येलो के लिए अलग प्लेट। ये प्लेट्स मिलने के बाद हम लोग कलर के अनुसार ब्लैक की प्लेट ब्लैक के जगह पे लगाते हैं जहाँ पे ब्लैक इंक चलती है। साइन की प्लेट हम लोग साइन में लगाते हैं जहाँ पे कि ब्लू इंक चलती है। मैजेंटा की प्लेट हम लोग मैजेंटा में लगाते हैं जहाँ के रेड इंक चलती है। और येलो की प्लेट हम लोग लगाते हैं जहाँ पे येलो इंक चलती है। हम लोगों का पेपर इस तरीके से निकलता है कि पहले ब्लैक छपता है, फिर ब्लैक के ऊपर साइन यानि नीला, फिर इसके ऊपर मैजेंटा यानि लाल और लास्ट में
येलो यानी पीला कलर। अब छपाई का काम शुरू होता है जिसमें कागज के बड़े बड़े रोल लगे होते हैं। एक रोल का वजन लगभग 900 किलोग्राम का होता है और चौड़ाई 55 इंच होती है। ये कागज भी खास तरह के होते हैं जो स्याही को जल्दी सोखते हैं। तैयार की हुई फिल्में इन्हीं बड़ी बड़ी मशीनों में लगाई जाती हैं। इस मशीन से एक घंटे में लगभग 1,30,000 अखबार की प्रतियां निकलती हैं। एक मजेदार बात और बताऊं, इन विशाल मशीनों में अखबार छपने के साथ साथ तह लगकर बंडलों के रूप में बाहर आते हैं। अब हम आप तक पहुंचने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। इन गट्ठरों के रूप में बांधकर हमें गाड़ियों पर लादा जाता है। ऐसे कई केंद्र हैं जहां अखबार लेकर ये गाड़ियां पहुंचती हैं। इन्हीं केंद्रों से अखबार वाले अखबार खरीदते हैं। बड़ी गहमा गहमी होती है यहां। उसी समय निश्चित इलाकों में मुझे पहुंचा दिया जाता है और फिर वहां से गलियों, दुकानों और तुम्हारे हाथों में मैं आंखें खुलते ही हाजिर हो जाता हूँ। मैं हर जगह हर सवारी पर चढ़कर पहुंच जाता हूं। मुझे रोज पढ़कर तो आप देखें कितना मजा आता है। मैं तो हर रोज बिल्कुल नए रूप में होता हूं, एकदम ताजा समाचारों के साथ, देश विदेश की हर पल की महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर। अब मैं चलूं, फिर मिलूंगा ताजा खबरें लेकर नई सुबह के साथ।